टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग जगत में एक ऐसा नाम जिसे सुन के अच्छे अच्छे रेसलरों की हवा टाइट हो जाती है। आपने इन्हें कुछ समय पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा ही, इसके साथ ही आपने अब इन्हें रॉ में भी देख लिया है। ब्रॉन स्ट्रोमन ने इनके साथ बेवजह पंगा ले लिया है। वैसे यह तो WWE की स्टोरी लाइन का कमाल है, क्योंकि उनके साथ उनका मुकाबला क्राउन ज्वेल में तय किया गया है। कुछ समय पहले हमने इन पर विशेष वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, पर आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि इनके कुछ राज भी बताइए, तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं टाइसन फ्यूरी से जुड़े वे राज जिन्हें सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का आज का बेहद ही खास अंक और जानते हैं टाइसन फ्यूरी के बारे में। टाइसन फ्यूरी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, पर वह पैसे को कभी महत्व नहीं देते हैं। टाइसन फ्यूरी के हिसाब से इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। साल 2018 में TMZ में उन्होंने एक खास इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि वह कई ऐसे करोड़पतियों को जानते हैं जो पैसा होने के बावजूद खुश नहीं है। उनके हिसाब से पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, उनके हिसाब से असली खुशी इंसान के दिल में होती है। इन सबके साथ ही आप यह जान के भी हिल जाएंगे दोस्तों कि वह WWE में जो दिखाई दे रहे हैं वह पैसों के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि WWE उन्हें पसंद है। टाइसन फ्यूरी का जन्म एक आयरिश परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जॉन फ्यूरी था। उनके पिताजी जिप्सी बेयर नकल फाइटर थे 1980 में। इतना ही नहीं, उनके पिताजी को एक बार 11 साल के लिए जेल भी हो गई थी। कहा जाता था कि उनके पिताजी पर आरोप था कि उन्होंने एक इंसान की आंख निकाल दी थी। टाइसन फ्यूरी के बॉक्सिंग कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने अपने कैरियर में कुल 30 फाइटें लड़ी हैं, जिनमें से 29 फाइटों में उन्हें जीत हासिल हुई है और एक फाइट का मुकाबला ड्रॉ हो गया था। इसके साथ ही अगर उनके टाइटल की बात की जाए तो उन्होंने ढेर सारे टाइटल्स पर कब्जा किया था। साल 2015 में उन्होंने यूनिफाइड WBA, IBF, WBO, IBO, द रिंग मैगजीन, लीनियन हैवीवेट टाइटल के अलावा इंग्लिश हैवीवेट टाइटल, कॉमनवेल्थ हैवीवेट टाइटल, आयरिश हैवीवेट टाइटल भी जीत डाला था। इन सब के अलावा आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि वह बिग केस के रोल मॉडल हैं। जून 2018 में बिग केस ने इस बात का खुद खुलासा कर दिया था कि WWE से रिलीज किए जाने के बाद वह मेंटली डिप्रेशन में चले गए थे। इतना ही नहीं, वह बहुत ज्यादा एल्कोहल ले रहे थे। उस समय उन्होंने प्रो रेसलिंग सीट रेयन सेंट से बात करते हुए यह बताया था कि बॉक्सर टाइसन फ्यूरी उनके लिए रोल मॉडल थे, अगर वह उनकी जिंदगी में नहीं होते तो शायद वह मर सकते थे। टाइसन फ्यूरी से इंस्पायर होकर उनकी सारी बुरी आदतें छूटी और वह दोबारा खड़े उठे और उन्होंने अपने आप को दोबारा तैयार किया। टाइसन फ्यूरी को आप लोगों ने स्मैकडाउन में देखा होगा और आप यह जान के हिल जाएंगे कि वह बैक स्टेज में अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। वह WWE को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने SSS, दी रॉक और विंस मैकमैन के साथ भी फोटो खिंचवाई। इससे यही लगता है कि वह WWE को काफी पसंद करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, उनके पिताजी ने उनका नाम टाइसन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन माइक टाइसन के नाम पर रखा था। जब उनका जन्म हुआ था अगस्त 1988 में, उस समय उनके पिताजी ने उनका नाम टाइसन रख दिया था। और जिस समय वह बॉक्सिंग के चैंपियन बने तो उनके पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। उनके पिताजी उन्हें बचपन से ही सपोर्ट करते थे बॉक्सर बनने के लिए। क्या आपको पता है दोस्तों, टाइसन फ्यूरी का BT स्पोर्ट्स के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। टाइसन फ्यूरी को BT स्पोर्ट्स के सबसे बड़े स्टार में गिना जाता है। ब्रिटेन में WWE वाले स्काई स्पोर्ट्स से अपना 30 साल का कनेक्शन अब खत्म कर रहे हैं, जिसके बाद वहां WWE वाले BT स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाएंगे और वहीं टाइसन फ्यूरी तो BT स्पोर्ट्स के सबसे बड़े स्टार में गिने जाते हैं। तो इससे ऐसा होगा कि आने वाले समय में आप लोग टाइसन फ्यूरी को बहुत बार WWE में देखेंगे। टाइसन फ्यूरी की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और टाइसन फ्यूरी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी बहुमूल्य राय कमेंट करके हमें बताना न भूलें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक और बेहद ही खास एपिसोड में इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।